दोस्तों आइएगा जरा ये देखिए, ये देखिए ये वाला जो अंडा है हमारा, ये वाला अंडा हमारा टूटने वाला है, इसमें से अन करीब जो है वो बच्चा निकलने वाला है। तो मैं जो समझ रहा हूँ शायद ये वाकई में इसमें तो धड़कन भी महसूस हो रही है भाई, ये पूरा बच्चा हमारा बन चुका है और मैं समझता हूँ शायद ये आज ही जो है ये अंडा हमारा जो है ये टूट के इसमें से बच्चा निकल जाएगा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? आज हम अपने मास्टर केज पर आए और आज मेरे साथ मेरी फैमिली भी सब मौजूद है जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग का काम कर रही है। तो आज हम अपने नाजरीन को जो है मास्टर केज के अंदर जो हमारे कबूतर अंडों में बैठे हुए हैं उन कबूतरों का अल्ट्रासाउंड करके दिखाएंगे। तो चलें देखते हैं हमारे इन कबूतरों के जो अंडे हैं उसके अंदर बच्चे बने हैं या नहीं बने। दोस्तों ये हमारी कबूतरी है जो इस वक्त अंडों पर बैठी हुई है, इसे हम साइड पर करेंगे और ये लाइट में लेकर आया हूँ, लेकिन इस वक्त ये गुस्से में है, अंडा पता नहीं उठाने देगी या नहीं उठाने देगी। नहीं भाई ये हमें अंडा इस वक्त उठा देगी, दे रही है, ये देख लें ये तो मार रही है भाई, हमें ये इस वक्त अंडा उठाने नहीं दे रही है। हम कोशिश करेंगे इसका अंडा हम उठा के, और जैसे आपने अक्सर वीडियो में देखा है कि लाइट के नीचे रख के देखा जाता है भाई इसके अंदर बच्चा बना है या नहीं बना है, वो तरीका हम कर सकें, लेकिन इस वक्त जो है कबूतरी बहुत गुस्से के अंदर है। और ये देखें मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसका अंडा उठा लें, लेकिन ये हमें अंडा उठाने नहीं देगी, इस वक्त जो है बहुत गुस्से में है, ये हमने इसका अंडा उठाया और इसे जो है हम लाइट के अंदर रख के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा, लेकिन इस वक्त हमें ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा इसके अंदर बन चुका है ना, तो ये अंडा हमारा बिल्कुल सही है। इस अंडे को हम इसके अंदर रख देते हैं और दूसरा अंडा उठाते हैं, ये तो बल्कि हैच होना शुरू हो गया है। दोस्तों आइएगा जरा ये देखिए, ये देखिए ये वाला जो अंडा है हमारा, ये वाला अंडा हमारा टूटने वाला है, इसमें से अन करीब जो है वो बच्चा निकलने वाला है। तो मैं जो समझ रहा हूँ शायद ये वाकई में इसमें तो धड़कन भी महसूस हो रही है भाई, ये पूरा बच्चा हमारा बन चुका है और मैं समझता हूँ शायद ये आज ही जो है ये अंडा हमारा जो है ये टूट के इसमें से बच्चा निकल जाएगा। ये वाला अंडा जो है ना हमारा इस वक्त ये टूटने वाला है और एक आध दिन के अंदर जो है इसमें से ये बच्चा निकलेगा। तो हमारा ये वाला अंडा जो है ये मुझे लग रहा है कि हमारा ये खराब हो गया है, लेकिन देखते हैं कि एक आध दिन के अंदर, क्योंकि वो दूसरा वाला अंडा जो है वो हमारा हैचिंग शुरू कर दिया उसने, वो टूटने वाला है। तो ये वाला अंडा जो है हमारा खराब हो गया, इसे हम दूसरी साइड पर रख देते और कबूतर को देखते हैं। हाँ कबूतर के नीचे हमने इस अंडे को रख दिया है और इंशाल्लाह हम वेट करते हैं, एक दिन की और बात है जहाँ इतना हमने वेट किया है। तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट व्लॉग में आप जरूर देखिएगा हमारे कबूतर के बच्चे जो अंडे से बाहर आ चुके होंगे। तो जिन नाजरीन को मेरा व्लॉग पसंद आया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।